डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर जो 12 चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स, फिनोल के भौतिक गुणधर्मों की बात कर ली थी। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुणधर्म, उसमें देखें रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो फिनोल जो होता है वो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर फिनोल में कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है फिनोल जो होता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, कौन कौन सी? फर्स्ट में बात करते हैं फिनोलिक OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया। दूसरी बेंजीन विलय के कारण होने वाली अभिक्रिया, बेंजीन विलय की अभिक्रिया। तीसरी बात करेंगे सघनन अभिक्रिया, सघनन अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तीन प्रकार की रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, बेंजीन विलय की अभिक्रिया और सघनन अभिक्रिया। जिसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि फिनोल जो होता है वो दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, जिसके अंतर्गत इसकी जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो अमलीय प्रकृति की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न करता है। तो यहां से क्या होता है, फिनोल यह दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है। फिनोल जो होता है किसकी तरह व्यवहार करता है, दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन पड़ेगी उसमें बात करेंगे अमलीय प्रकृति, यानी फिनोलिक OH समूह के कारण अभिक्रिया होगी उसके अंदर देखेंगे अमलीय प्रकृति। इसमें क्या होता है कि जो फिनोल है उस फिनोल की अभिक्रिया सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ करवाई जाती है, तो सोडियम फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। तो देखें यहां से क्या होता है, फर्स्ट टाइप में बात की फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के रूप में सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, इनके साथ करवाई जाएगी। तो देखो यहां पर रिएक्शन कौन से पार्ट के कारण होगी, OH समूह के कारण। तो यहां से क्या होगा, दो H OH वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां से H निकलेगी, दो मोल होने के कारण यहां से और कौन के बाहर निकल जाएगी, H2। जब यहां पे O पे क्या आएगा, माइनस, दोनों मोल पर कौन जुड़ जाएगा, सोडियम। तो यहां से यौगिक बन जाएगा ONA, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड बोला जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा यहां से, सोडियम फिनोक्साइड, यानी कि फिनोल ने H+ आयन त्यागी, O पे क्या आया, माइनस नाम होता है फिनोक्साइड आयन, और इस फिनोक्साइड पे कौन सा आयन जुड़ रहा है, यहां सोडियम, तो नाम हो जाता है इसका सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो यानी क्या हो जाएगा, फिनोल की अभिक्रिया सक्रिय धातु में सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसमें फिनोल से H+ आयन बाहर निकले, तो ये कौन सी प्रवृत्ति शो करता है, अम्लीय प्रकृति। इसी प्रकार से नंबर 2 में फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, एक्वस NaOH के साथ, यानी कि जलीय NaOH के साथ करवाई जाएगी, तो यहां से किसका निर्माण हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन एवं जल का निर्माण हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, Ag+, यहां पे क्या आएगा, माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आएगा, प्लस, H+ OH- आउट कौन हो जाएगा, यहां से H2, अभी O- है, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Na, तो ये कंपाउंड जो बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। यानी कि फिनोल की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाई जाती है, सोडियम फिनोक्साइड में H2 बन जाता है, इसमें भी यहां से फिनोल से H+ आयन बाहर निकलते हैं, जो उसके अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। नंबर 3 में कि फिनोल है उसकी अभिक्रिया गिरनार रिएजेंट के साथ करवाई जाए, तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, एल्किन का निर्माण हो जाता है। देखिए फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई, गिरनार रिएजेंट के साथ, CH3MgBr, इसको बोलते हैं गिरनार
अभिकर्मक। गिरनार अभिकर्मक का फंक्शन कैसे होता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा मेटल पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां से बॉन्ड क्लीवेज हुआ यहां से पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, क्योंकि एच प्लस सीएच थ्री माइनस पे जुड़ेगा तो यौगिक क्या बन जाएगा यहाँ पे सी एच फोर, और आउट कौन हो जाएगा ओ माइनस पे यहाँ से जुड़ जाएगा एम जी बी आर, तो ये बाहर हो जाएगा आपका ओ एम जी बी आर। तो ये वाला जो यौगिक बनाया मैथेन यानी एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो कह सकते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है, किसका निर्माण हो जाता है एल्केन का निर्माण हो जाता है। उपरोक्त तीनों ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं ने फिनोल से यहाँ से कौन से आयन को बाहर निकाला है, हाइड्रोजन H प्लस आयन को बाहर निकाला है, इस कारण ये उपरोक्त तीनों ही प्रकार की जो अभिक्रियाएं वो फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।